मतलब वो जो लिंक रहता है ना, लिंक अगर हम लोग शेयर करते हैं कोई भी लिंक, तो ये जो रहता है गूगल ड्राइव का जो लिंक रहता है, दैट एक्सपायर्स इन 24 आवर्स, मतलब जो लिंक रहता है वो एक्सपायर होता है। अगर आपको फिर से देखना है तो फिर से नया लिंक भेजना पड़ता है। नहीं तो कुछ सेटिंग्स रहते हैं गूगल ड्राइव के अंदर अनलिमिटेड एक्सेस के लिए, तो वो सेटिंग्स फिर ऑन करने पड़ते हैं उसके लिए। अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा तो फिर वो एक्सपायर ही नहीं होगा। आप कभी भी वो लिंक पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली इट विल एक्सेस द ड्राइव ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, हाँ ठीक है। सो नेक्स्ट वी वर टॉकिंग अबाउट यूज अ मास्टर शॉट फॉर एन ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू, अगर आपको पूरा सीन में क्या क्या है, एलिमेंट्स क्या क्या है, वो सब दिखाना है, यू नीड टू यूज द मास्टर शॉट। ठीक है, ये मैक्सिमम कहाँ पे होता है, जब हम लोग स्टोरी स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी सीन हम लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं, तब यू नीड टू शो द मास्टर शॉट टू डिस्प्ले ऑल ऑफ द एलिमेंट्स इन द सीन। मतलब फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर शूटिंग अ आउटडोर सीन, ठीक है, अगर आप आउटडोर सीन शूट कर रहे हो तो उसके अंदर जो रहेगा, यू फर्स्ट नीड टू डिस्प्ले द कंप्लीट लोकेशन। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे मूवीज में देखा रहेगा, फर्स्ट वो लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर से ऐसे शॉट्स लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पाइडरमैन मूवी में देखा रहेगा आपने, फर्स्ट द सीन स्टार्ट्स फ्रॉम द सिटी। ठीक है, वो लोग जस्ट दे विल शो द कंप्लीट सिटी। ठीक है, जैसे ट्रैफिक वगैरह चालू चल रहा है, या फिर द रोड्स, द बिल्डिंग्स। ठीक है, उसके अंदर से कैमरा क्या होता है, जूम इन होता है, कैमरा जूम इन और द कैमरा पैंस अराउंड द सिटीज, अराउंड द बिल्डिंग्स, देन द कैमरा गोज टू द, वो डायरेक्टली कैरेक्टर के ऊपर जंप नहीं करते, देन दे विल शो अ पर्टिकुलर हाउस वेयर द कैरेक्टर लिव्स, और देन दे विल शो द पर्टिकुलर लोकेशन वेयर द कैरेक्टर लिव्स। तो लोकेशन दिखाने के बाद वो लोग फिर हाउस के फिर डोर के ऊपर जंप करेंगे, डोर ओपन होता है या फिर वो कैरेक्टर बाहर आता है, देन दे गो टू द, मतलब कोई भी अगर रूम में अगर आपको दिखाना रहेगा, देन दे गो टू दैट टाइप ऑफ शॉट्स। ठीक है, तो वैसे आपको मेंटेन करना पड़ेगा, स्टार्ट में ओवरव्यू दिखाना पड़ेगा ऑफ योर सीन्स और ऑफ योर कंप्लीट शॉट। ठीक है, पूरा कंप्लीट शॉट का एक ओवरव्यू दिखाना पड़ेगा, देन यू नीड टू स्प्लिट द कैमरास। ठीक है, तो आपको कैमरा स्प्लिट करने पड़ेंगे, लॉन्ग शॉट, मिड शॉट, उसके हिसाब से फिर आप लोग ये दिखा सकते हो। ठीक है, लॉन्ग शॉट एंड एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट्स रिमाइंड व्यूअर्स टू वेयर एवरीथिंग फिट्स इनटू द सीन। ठीक है, फिट्स इनटू द सीन, अ मास्टर शॉट इज अ लॉन्ग शॉट दैट कैप्चर्स ऑल और मोस्ट ऑफ द एक्शन इन द सीन। अ मास्टर शॉट इज ऑफन पेयर्ड विद द वाइड शॉट। ठीक है, वाइड शॉट ऑल्सो पेयर्ड विद द वाइड शॉट, मतलब वाइड शॉट भी आप लोग ले सकते हो, मतलब इसके सिमिलर रहेगा वो मास्टर शॉट के सिमिलर। ठीक है, जस्ट यू रिमेम्बर दैट मास्टर शॉट इज यूज्ड टू कैप्चर ऑल द एलिमेंट्स इन द सीन और ऑल द एक्शंस इन द सीन। ठीक है, व्हेन अ डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर शूट्स अ सीन, देयर आर मेनी शॉट्स दैट आर नीडेड इन ऑर्डर फॉर द सीन टू बी वेल कवर्ड। क्लोज अप एंड मीडियम शॉट्स कैप्चर action closely for the audience to see and understand, but these shots don't show the space and environment the characters are in. ठीक है, मतलब ये जो shots है, ये जो आप close up and medium shots use करते हो, closely for the audience to see and understand, but these shots don't show the space and environment the characters are in. ठीक है, मतलब environment और space, वो कौन से environment में है? For example, आपने अगर एक sky दिखाया या फिर earth दिखाया, जूम इन करके सिर्फ ऐसे पूरा एक अर्थ का सीन रहता है वैसे दिखाया, और डायरेक्टली इफ यू जंप ऑन द कैरेक्टर कि ऐसे वो पानी में तैर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे पानी में तैर रहा है, तो समझ में नहीं आएगा कि वो समुद्र में तैर रहा है या फिर नदी में तैर रहा है, इंडिया में है या पाकिस्तान में है या अफगानिस्तान में है, इट विल नॉट बी रिकग्नाइज। ठीक है, इट विल नॉट बी रिकग्नाइज बाय द व्यूअर्स कि वो कौन से कंट्री में है या फिर कौन से लोकेशन के ऊपर आपका कैरेक्टर, योर कैरेक्टर इज हैविंग द एक्शन। ठीक है, यू नीड टू गेट द मास्टर शॉट और द वाइड शॉट फॉर दैट थिंग टू एस्टैब्लिश। अ वाइड शॉट इज ऑफन यूज्ड एज एन एस्टैब्लिशिंग शॉट टू शो द एनवायरनमेंट। ठीक है, सेम ही है, वाइड शॉट मास्टर शॉट ऑलमोस्ट सेम है, इट इज ऑलमोस्ट कंपेयर्ड टू द मास्टर शॉट, वाइड शॉट इज ऑलमोस्ट कंपेयर्ड टू द मास्टर शॉट। ठीक है, वाइड शॉट ऑफन यूज्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग एनवायरनमेंट, लीड द ऑडियंस इनटू द सीन और यूज एज अ सेफ्टी शॉट जस्ट इन केस समथिंग गोज रॉन्ग। ठीक है, मोस्ट मास्टर शॉट्स आर शॉट एक्सक्लूसिवली एज वाइड शॉट्स। ठीक है, सी अब ये कौन से मूवी का है बता सकते हो क्या? मैंने दिखाया था शायद आपको ये मूवी, गॉडफादर ना। गॉडफादर। नहीं,
इज नॉट गॉड फादर, दिस इज 12 एंग्री मैन. याद है 12 एंग्री मैन? सर जिसको इसको याद नहीं रहेगा या फिर जिसने नहीं देखा नहीं रहेगा, आई विल सजेस्ट यू टू डाउनलोड एंड वॉच दिस मूवी. ये जो मूवी है इसका रेटिंग जो है काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर मूवी. इसका जो प्लॉट है, इसका जो सीन्स है, इसके जो शॉर्ट्स एंगल्स वो सब है, इट इज कम्प्लीटली शॉर्ट इन वन रूम. ठीक है, एक ही रूम के अंदर शॉर्ट किया हुआ है. बट वॉइस कट होता है सर, वॉइस कट होता है सर को। अच्छा, इसका जो सीन है, इसका जो पूरा मूवी है, पूरा स्टोरी है, इट इज शॉट इन जस्ट वन सिंगल रूम. ठीक है, एक मीटिंग रहती है, एक केस रहता है, आई विल नॉट टेल यू द स्टोरी, दे आर डिस्कसिंग ऑन दैट. और ये ऐसे डिस्कशन है, ऐसे कैमराज लिए हैं, कैसे कैमरा एंगल लिए हैं, ऐसे डायलॉग्स लिए हैं, ऐसे प्लॉट लिखा है स्टोरी का, दैट द व्यूअर विल नॉट गेट बोर्ड. ठीक है, तो आपको जरा भी बोर नहीं होगा. उसका प्लॉट जो है एकदम बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है और बहुत ही अच्छे से पिक्चराइज किया हुआ है. ठीक है, इट इज कम्प्लीटली द पार्ट ऑफ सिनेमाटोग्राफी. ठीक है, सिनेमाटोग्राफर का जो काम है इसमें बहुत ही अच्छा है, और जो कैमरा एंगल्स वगैरह यूज किए हैं टू डिस्प्ले द मूवमेंट एंड द कंटिन्यूटी इन द सीन्स, ठीक है, दैट इज वेरी गुड एज कम्पेयर टू टूडेज मूवीज. ठीक है, मैं आपको यही बोल रहा हूँ, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है आपके मूवीज के अंदर अगर आप कंपेयर करोगे, दिस इज द बेस्ट वन. ठीक है, जस्ट लुक, जस्ट डाउनलोड एंड सी द कंप्लीट मूवी. ठीक है, इट इज द 12 एंग्री मैन. ठीक है, 12 एंग्री मैन मूवी है, वो आप लोग देखो. नेक्स्ट इज गेट द पेस राइट. अ शॉर्ट शुड स्टे ऑन द स्ट्रिंग लॉन्ग इनफ फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड इट बट नॉट सो लॉन्ग दैट दे गेट बोर्ड. ठीक है, ये आपको मैंने प्रीवियस बताया था वैसे ही. ठीक है, कोई भी अगर सीन है और आप एक ही कैमरा एंगल से शूट कर रहे हो या फिर एक ही साइड से, अगर वो पूरा डायलॉग कंटिन्यूस एक ही साइड से चल रहा है, तो इट विल गेट बोर्ड फॉर द व्यूअर्स, फॉर द ऑडियंसेस. ठीक है, यू नीड टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट्स, क्लोजअप्स, मिड शॉर्ट्स, वैसे टाइप के आपको डिफरेंट कैमरा एंगल्स यूज करने पड़ेंगे, कैमरा शॉर्ट्स यूज करने पड़ेंगे टू डिस्प्ले एंड टू गेन और टू लॉक द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस. ठीक है, ऐसे टाइप के आपको सीन्स क्रिएट करने पड़ेंगे एंड यू नीड टू शॉट इट अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो पहले ही डिसाइड करना है आपको ये सब. ठीक है, बिफोर शूटिंग आपको ये सब पूरा प्रिपरेशन करना है. यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ ऑल ऑफ दिस. शूटिंग के बाद फिर बोलोगे अरे यार ये बहुत बोर हो रहा है या फिर ये सीन बहुत खराब हो गया है, फिर टाइम हो गया रहेगा, आपका सबमिशन का डेडलाइन रहेगा, मूवी का सबमिशन या फिर कई फिल्म फेस्टिवल का जो आप लोग ये करते हो रजिस्ट्रेशन, उसका डेडलाइन रहेगा. देन यू रिकग्नाइज दैट द सीन इज लिटिल बिट बोरिंग और वो व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा नहीं दिख रहा है. देन यू अगेन सी दैट हाउ कैन वी शूट इट अगेन. ठीक है, तो वो डबल से आपको करने से अच्छा फिर पहले ही यू नीड टू डू द प्रिपरेशन. प्री प्रोडक्शन का जो आपको बोलता हूँ मैं, प्री प्रोडक्शन का जितना भी काम है आपका वो ही मन लगा के करो, ताकि आपका जो पोस्ट प्रोडक्शन जब भी आपका स्टार्ट हो तभी आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आए. ठीक है, प्री प्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाओ. आप जो अभी प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने से पहले यू ऑलरेडी हैव सम ऑफ देम आर डूइंग न्यू प्रोजेक्ट, सम ऑफ देम आर carry forwarding the same scene or same environment for the projects which they have done previous in the previous year. ठीक है, तो वैसे टाइप के अगर कुछ रहेंगे, just concentrate on the pre-production type, pre-production work. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा pre-production work के ऊपर concentrate करो. Last time I have just given you some of the deadlines for the pre-production work, लेकिन फिर भी काफी सारे लोगों ने submit नहीं किया था. They have directly submitted the post-production, मतलब प्रोडक्शन का भी सबमिट नहीं किया था, डायरेक्टली पोस्ट प्रोडक्शन सबमिट किया है. सो इस बार यू हैव अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लास्ट टाइम सब्जेक्ट नहीं था, दैट वाज अ टाइप ऑफ असाइनमेंट्स. आई जस्ट नीड टू सी हु ऑल कैन वर्क एंड हाउ व्हाट इज द लेवल ऑफ योर वर्क. ठीक है, वो देखने के लिए मैंने आपको टास्क दिया था. काफी सारे लोगों ने बहुत अच्छे से किया है, काफी सारे लोगों ने किया ही नहीं है. ठीक है, जस्ट बी जस्ट आई एम बीइंग क्लियर अबाउट दिस, दैट इस टाइम अगर वैसे हो गया तो यू कैन फेस प्रैक्टिकल के जो आपके मार्क्स रहेंगे या फिर आपका जो शोरील का रहेगा, यू कैन फेस प्रॉब्लम इन दैट. ठीक है, इस बार आपको अभी थर्ड ईयर में हो आप लोग, तो आपको थोड़ा सा परफेक्शन के साथ काम करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा डोंट डू एनी टाइप ऑफ मिस्टेक्स. ठीक है, ज्यादा मिस्टेक्स मत करो. आपका स्टार्टिंग का स्टेज है, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन
भी अवॉइड अवॉइड डूइंग मैक्सिमम मिस्टेक्स, ठीक है। बाकी कुछ भी हेल्प लगेगा यू कैन आस्क एनी ऑफ देम, एनी ऑफ द स्टाफ विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज गेट द पेज राइट, द शॉर्ट शुड स्टे ऑन द स्क्रीन लॉन्ग इनफ फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लोज अप, सिंपल शॉर्ट्स, शॉर्ट्स विदाउट एनी एक्शन और मूवमेंट, कैन बी शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट्स, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉर्ट्स, एनी शॉर्ट्स विद डिटेल विल नीड टू बी ऑन स्क्रीन फॉर लॉन्गर, ठीक है। तो जो लॉन्ग शॉर्ट्स रहते हैं, मैंने जब जैसे आपको स्टार्ट में बताया था एग्जाम्पल देके, स्पाइडरमैन मूवी का एक एग्जाम्पल है, तो अमेजिंग स्पाइडरमैन का एक है, ठीक है। अमेजिंग स्पाइडरमैन भी काफी अच्छे तरीके से शूट किया है, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्रीवियस वर्जन। उसके अंदर जो सीन्स है, उसके अंदर जो एंगल्स है, वो काफी सारे एंगल्स बहुत ही अच्छे से लिए उन्होंने, ठीक है, अमेजिंग स्पाइडरमैन के अंदर। और जो प्लॉट है वो मूवी का, दैट इज वेरी गुड, ठीक है। प्लॉट जो है उसका वो काफी अच्छा है, और जो स्टोरी की कंटिन्यूटी है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है, अमेजिंग स्पाइडरमैन का। नेक्स्ट, चेक दैट द पेज इज कंसिस्टेंट, सडन चेंजेस ऑफ पेस लुक रियली क्लकी क्लंकी, वेदर इट्स अ शॉट दैट आउटस्टेड इट्स वेलकम और वन दैट फ्लैशेस बाय टू फास्ट टू ग्रास्प, ठीक है। मतलब ये भी वही है, आपको कैसे भी सीन्स, कैसे भी अगर आप लोगे तो नहीं चलेगा, कैसे भी कहाँ से भी शूट करोगे, कौन से भी एंगल यूज करोगे तो नहीं चलेगा। एट पर्टिकुलर एंगल, अभी कुछ कुछ जो एंगल्स रहते हैं कैमरा एंगल्स, लॉन्ग शॉर्ट एंगल्स या फिर वाइड शॉर्ट एंगल्स, ठीक है, या फिर टॉप टॉप से जो एंगल्स लेते हैं, लॉन्ग से जो लेते हैं, जूम इन करके जो एंगल पैन या फिर जूम इन जूम आउट करते हैं, वो जो एंगल्स है, कोई कोई सीन्स के लिए वो स्पेसिफिक एंगल्स ऐसे रहते हैं कि वही एंगल अगर आप यूज करोगे दैट विल लुक गुड, अगर वो एंगल यूज नहीं करोगे तो सीन थोड़ा सा क्लंकी होता है, ठीक है, फेस लुक रियली क्लंकी, ऐसे इसमें दिखाया गया है। सो यू नीड टू एड दैट पर्टिकुलर एंगल्स इन दैट पर्टिकुलर सीन, ठीक है, सी। तो ऐसे कुछ जो है, अगर आप ऐसे कैमरा एंगल्स वगैरह लोगे, पीछे डायलॉग्स चालू है, ये वगैरह सब चालू है, अगर ये थोड़ा सा ज्यादा अगर आप इसी एंगल पे फोकस करोगे सो इट विल लुक लिटिल बिट बोरिंग, ठीक है। ऐसे ही एक एंगल अगर आप रखोगे, यहाँ पे डायलॉग्स चालू है दोनों के, बट शी इज जस्ट लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग, तो वैसे जो शॉर्ट्स रहेगा इसमें कभी आप अगर क्लोजअप लोगे तो दिस विल गेन मच पावर टू दैट सीन, ठीक है। तो सीन के अंदर थोड़ा सा और ज्यादा अट्रैक्टिवनेस आएगा, या तो फिर जो ऑडियंसिस है दैट विल नॉट गेट बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज द राइट ट्रांजिशंस, ठीक है। अगर आपको आपका शूट वगैरह प्रॉपर हो गया है, यू हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ द कंबाइनिंग प्रोसेस, कट डाउन प्रोसेस, जो आपको कैट शॉट्स चाहिए आपने लिए हैं, एंगल्स चाहिए वो भी आपने एंगल किए, सब फॉलो किए, दैट नेक्स्ट आता है यू हैव टू यूज द राइट ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन बहुत सारे होते हैं, आपको जो राइट ट्रांजिशन है वो आपको यूज करना है। मैक्सिमम जो डिफॉल्ट ट्रांजिशन है वही अगर रखोगे तो वो बेटर रहेगा थ्रू आउट योर मूवी और वीडियो, ठीक है। ट्रांजिशन अदर जॉइंट्स, ठीक है, जॉइन करते हैं दो शॉट्स को, डज योर सीन शो कंटिन्यूअस एक्शन और वन शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम, यू शुड यूज कट्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कट्स वेयर द शॉट गोस स्ट्रेट इनटू द नेक्स्ट वन, ठीक है। तो शॉर्ट रहता है, अगर आप क्लोजअप दिखा रहे हैं या फिर एक्सट्रीम शॉट दिखा रहे हैं सेम सीन के अंदर, लेकिन डायरेक्टली अगर आप कट करोगे दैट विल लुक इन अ कंटिन्यूटी, ठीक है। मतलब डायरेक्ट अगर आप कट करके सेम सेम सीन के अंदर सेम अगर शॉर्ट्स यूज करते हो वो कंटिन्यूटी दिखेगा, या फिर अगर एकदम ऐसे फेड इन फेड आउट कर दोगे आप लोग तो फिर वो सीन का जो टाइमिंग है वो आपको चेंज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। मतलब अगर सेम सीन के अंदर सेम डायलॉग के अंदर सिर्फ अगर आप फेड इन फेड आउट यूज कर रहे हो That will not look good, ठीक है। डायरेक्ट कट करोगे तो ऐसे कंटिन्यू चेंज होगा, फिर कहाँ पे करोगे जहाँ पे आपका सीन चेंज होगा, ठीक है, और द एंड ऑफ द सीन इन अ वेर यू कट सारे को वेर द शॉट गोस स्ट्रेट इन द नेक्स्ट इफ यू यूज फेड आउट इज ऑल यू विल कंफ्यूज पीपल, सी यू आर अ लाइन इफ यू यूज फेड आउट इज ऑल यू विल कंफ्यूज द पीपल, ठीक है। फेडिंग मतलब यूज किया मैंने ब्लैक आउट या फिर व्हाइट व्हाइट आउट ऐसे यूज किया, इट विल कंफ्यूज द पीपल, मतलब वो जो ट्रांजिशन है दैट इज यूज टू एंड द सीन और टू स्टार्ट अ न्यू सीन, ठीक है। ऐसे कुछ स्पेसिफिक ट्रांजिशन है जो वहीं पे यूज करने चाहिए, अगर वो आप किसी और जगह पे यूज करते हो दैट विल नॉट लुक गुड एंड दैट विल कंफ्यूज द ऑडियंस, ठीक है।
नेक्स्ट इज इन अ क्रॉस डिसॉल्व और क्रॉस पेयर, ये सब आपको मालूम रहेगा, ये जो ट्रांजिशंस है ये सारे ट्रांजिशंस आपके ऑलरेडी ऑलरेडी मालूम रहेंगे कि कौन से ट्रांजिशंस कैसे वर्क होते हैं, ठीक है। इन अ क्रॉस डिसॉल्व और क्रॉस पेयर द शॉट डिसॉल्व इनटू ईच अदर, वन इमेज गेट्स वीकर व्हाइल द नेक्स्ट शॉट गेट्स स्ट्रॉन्गर, ठीक है। क्रॉस पेयर एंड क्रॉस डिसॉल्व यू कैन यूज दिस टू शो दैट यू हैव लेफ्ट आउट अ शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम और पार्ट ऑफ अ जर्नी, ठीक है। क्रॉस डिसॉल्व अगर आप यूज करोगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक कैरेक्टर है, ही इज वॉकिंग एंड वॉकिंग एंड वॉकिंग एंड सडनली देर इज अ क्रॉस डिसॉल्व एंड वॉकिंग वॉकिंग वो एक डायरेक्टली एक जगह के ऊपर पहुंच जाता है या फिर एक हाउस उसके सामने पहुंच जाता है, तो इट विल लुक इन अ कंटिन्यूटी, इन अ शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम यू कैन शो अ पार्ट ऑफ अ जर्नी। इफ इट स्टार्ट्स इन अ डे देन यू कैन क्रॉस डिसॉल्व एंड शो अ नाइट सीन, ठीक है। यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन। यू कैन यूज अ फेड आउट यूजुअली टू ब्लैक, ठीक है, यूजुअली टू ब्लैक, मतलब ब्लैक करोगे आप लगा सीन एट द एंड ऑफ द सीन। देखो एज आई हैव टोल्ड यू, यू नीड टू यूज अ स्पेसिफिक ट्रांजिशन इन स्पेसिफिक सीन्स, स्पेसिफिक एंगल्स इन स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक एंगल्स यूज करोगे स्पेसिफिक डायलॉग्स के लिए या फिर स्पेसिफिक सीन्स के लिए, मतलब वो कंप्लीटली रिप्रेजेंट स्पेसिफिक कंटिन्यूटी इन योर सीन्स, ठीक है। तो वैसे आप अगर यूज करोगे फेड इन फेड आउट और क्रॉस डिसॉल्व एंड क्रॉस फेड, ठीक है, इट रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव फॉर द ऑडियंस, ठीक है। यू कैन यूज अ फेड आउट यूजुअली टू ब्लैक एट द एंड ऑफ द सीन, फेड आउट फॉलोड बाय द फेड इन मींस दैट अ पीरियड ऑफ द टाइम हैज पास्ड, ठीक है, मतलब उतना टाइम पास हो गया है और उसके आगे नया सीन चालू, ठीक है। वाइब्स एंड अदर इलैबोरेट ट्रांजिशन डोंट यूजुअली कंट्रीब्यूट टू स्टोरी टेलिंग। सी वो बाकी के जो ट्रांजिशंस है, अभी यहां पे देखो कितने सारे ट्रांजिशन, यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस इन दिस सॉफ्टवेयर जो आपको प्रीमियर प्रो सीखने वाले होते हैं, प्रीमियर प्रो या फिर कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर लेंगे, उसमें नंबर ऑफ ट्रांजिशंस आर देयर इन मेनी ऑफ द वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वीडियो कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो उसके अंदर से आपको सारे यूज नहीं करने, अगर आपको सीन अच्छी तरीके से दिखाना है या फिर एक ऑडियंस रिलायबल बनाना है, तो यू नीड टू यूज स्पेसिफिक ट्रांजिशंस और द गुड ट्रांजिशंस दैट विल बी यूज्ड फॉर पर्टिकुलर सीन। देखो वाइप्स एंड अदर, द वाइप्स एंड अदर ट्रांजिशंस, जो वाइप्स है वाइप ट्रांजिशंस है और अदर इलैबोरेट इलैबोरेट ट्रांजिशंस डोंट यूजुअली कंट्रीब्यूट टू स्टोरी टेलिंग। This will not contribute for the storytelling. They have just added some of the transitions, ठीक है? ये transitions भी है जो है, कैसे रहता है? अभी यहाँ पे इन्होंने transitions create किए, different types of shapes create करे, ठीक है? देखो यहाँ पे shape से कुछ V type का shape है, X shape है, ये wipe है, picture in picture, ऐसे भी transitions है. They have used different types of transitions. इसके अंदर checker box है, slide है, stretch है. Random dissolve, it, all of the transition represent different types of scenes, ठीक है? और एक transition का जो output है, वो different types of scene के हिसाब से हर time change होगा, ठीक है? आपको ज्यादा से ज्यादा transitions use नहीं करने हैं, you have to just use the stated or the basic transitions which are effective and reliable for the audience view. Edit on the action. If you edit while an action is happening rather than at the beginning or the end, it looks smoother. You are concentrated on the movement, not the edit. Okay? आपको movement के ऊपर focus करना है. See. मतलब आपको ऐसे movement के ऊपर edit करना है जहाँ पे वो आपका जो scene है, that will display the complete action in your scene. ठीक है, पूरा action जो रहेगा, वो आपको display करना है in a single scene. And you need to edit a particular action, ठीक है? वो action रहेगा, वो आपको completely display होगा ना, but पूरा scene के अंदर, see, all of the elements are present in the scene with the action. This is the action of the character, और ये पूरे जो elements हैं, that are also that are visible in the complete scene. See, one scene यहाँ से jump कर रहा है, वहाँ से फिर he will cross this part and he will jump on this element or this car. ठीक है, ये ऐसे रहेंगे सीन के अंदर सब एलिमेंट्स, फिर आल्सो विल ही विल डिस्प्ले, आल्सो यू नीड टू डिस्प्ले द एक्शन एंड ऑल ऑफ द एलिमेंट्स इन द सीन, ठीक है। नेक्स्ट आएगा डोंट कट मूविंग शॉट्स टू स्टिल शॉट्स, ठीक है।
मतलब स्किल शॉर्ट्स के ऊपर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, यूनिट टू फोकस ऑन द मिलियन शॉट, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा कैमरा अगर आप स्टिल रखोगे तो वो इतना अच्छा नहीं दिखता है, और कैमरा विल नॉट लुक गुड इफ यू कीप द स्टिल शॉट्स, ठीक है। कंप्लीट जो है आपको एक्शन में रखना है उसको, कैमरा को। इफ यू आर एट अ सिंगल प्लेस, मतलब अगर कैरेक्टर बैठा भी है, देन यू नीड टू एटलीस्ट जूम इन और जूम आउट, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं, एकदम स्लाइट जूम इन और जूम आउट आप लोग कर सकते हो, या फिर जस्ट यू कैन पैन ऑन द कैरेक्टर, ठीक है। या फिर कैरेक्टर से आपको अगर पैन करना, इफ यू नीड टू शो द कंप्लीट एनवायरमेंट और कंप्लीट बैकग्राउंड, यू जस्ट नीड टू पैन थ्रू द कैरेक्टर, ठीक है। ऐसे कैमरा स्टिल नहीं रखना है आपको, अगर कोई डायलॉग वगैरह नहीं है, अगर डायलॉग रहेगा तो यू कैन यूज द क्लोजअप और द मिड क्लोजअप, वैसे टाइप के आप लोग शॉट्स यूज करते हो, बट द कैरेक्टर इज नॉट टॉकिंग और नॉट हैविंग एनी ऑफ द डायलॉग्स, देन यू नीड टू यूज डिफरेंट कैमरा एंगल्स एंड कैमरा शॉट्स दैट आर नॉट स्टिल, ठीक है। जितने भी स्टिल कैमरा एंगल्स है, यू डोंट नीड टू यूज दैट, सो दैट प्रिंसिपल इज डोंट कट मूविंग शॉट्स टू स्टिल शॉट्स, ठीक है। मूविंग शॉट्स आपको निकालने नहीं है स्टिल शॉट्स के लिए, ठीक है। यूज द मूविंग शॉट्स टू डिस्प्ले द कंप्लीट थिंग, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यू डोंट नीड टू यूज द मूविंग शॉट्स। अभी कभी कभी कैसे होता है, यहाँ पे जो है, दिस इज अ फाइटिंग सीन, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, ठीक है। यहाँ से अगर मैं डायरेक्टली, इसको तलवार इसके हाथ में है भी नहीं, डायरेक्टली इफ आई शो द सीन दैट ही हैज अ स्वॉर्ड इन हिज हैंड एंड ही इज बीटिंग, ठीक है। मतलब ऐसे अगर कुछ मैं ऐसे अतरंगी कुछ भी दिखाऊंगा तो इट विल नॉट मैच द सीन, मतलब अगर वो ऐसे ही रुका है या फिर एक स्टिल शॉट है, देन दैट विल नॉट लुक गुड। यू नीड टू शो कंटिन्यूअस शॉट एंड मूवमेंट इन योर सीन्स, दिस आल्सो मूवमेंट, ठीक है। डायरेक्टली अगर एक कोई बंदा खड़ा है और डायरेक्टली ही फॉल्स, ये सीन दिखाए बिना, या फिर एक सिर्फ जस्ट शी लिफ्ट्स अप द लेग एंड द कैरेक्टर फॉल्स ऑटोमेटिकली, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, यू नीड टू शो दैट शी किक्स द कैरेक्टर एंड देन द कैरेक्टर फॉल्स। आप डायरेक्टली सिर्फ ऐसे पैर उठाया और ये गिर गया तो वैसे दिखाओगे तो दैट विल नॉट लुक गुड, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। वो कभी कभी क्या होता है, हम लोग शूट करते हैं, शूट कर देते हैं, बट ड्यू टू ड्यूरिंग द एडिटिंग टाइम, ठीक है, वो आपका शॉट्स मिस हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है गड़बड़ के अंदर, एंड दैट सीन डज नॉट लुक दैट मच इफेक्टिव, ठीक है, फॉर द व्यूअर्स, अकॉर्डिंग टू द व्यूअर्स चॉइस, ठीक है। तो वैसे टाइप के आपको उसको ध्यान रखना है कि कौन से सीन या फिर कौन से शॉट्स कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज पे अटेंशन टू द साउंड, या द साउंड, अभी कहाँ पे कौन सा डायलॉग है, कौन सा डेड साइलेंस है, ठीक है, कहाँ पे आपको साइलेंस ऐड करना है, कहाँ पे कौन सा साउंड ऐड करना है, वो आपको एकदम अच्छे तरीके से सुनना पड़ेगा, ठीक है। डोंट हैव सडन चेंजेस इन साउंड लेवल और डेड साइलेंस अनलेस यू आर डिलिबरेटली ट्राइंग टू शॉक पीपल, ठीक है। यहाँ पे तो है, डोंट हैव सडन चेंजेस इन साउंड लेवल और डेड साइलेंस, ठीक है। अभी कोई भी सीन रहेगा, अगर आप डायरेक्टली उसको एकदम साइलेंट कर दोगे, इट विल नॉट मेक सेंस, ठीक है, इतना इफेक्टिव नहीं लगेगा, और वो कैसे होगा, ऑडियंसिस का जो परसेप्शन है, जो विजन वगैरह रहेगा, वो ही चेंज हो जाएगा डायरेक्ट अगर साउंड ऑफ हो गया, ठीक है। एटलीस्ट प्ले अ बैकग्राउंड साउंड, ठीक है, थोड़ा सा एक कोई तो बैकग्राउंड साउंड यूज करो, दैट विल सूट द सीन टू डिस्प्ले द कंटिन्यूटी इन योर सीन्स, एंड इट शुड मैच द सीन हैपनिंग इन द एंड इट विल मैच द एक्शन हैपनिंग इन द सीन, ठीक है, अनलेस यू आर डेलिबरेटली ट्राइंग टू शॉक द पीपल। ये वाला जो पॉइंट है, इट इज यूज इन हॉरर मूवीज, ठीक है। ऐसे पूरा एकदम साइलेंस रहता है, फिर डायरेक्टली एक शॉक होता है, दैट इज यूज इन हॉरर मूवीज। मैक्सिमम हॉरर मूवीज के अंदर आप लोग ऐसे ही देखोगे, एकदम साइलेंट रहता है, या फिर जस्ट वी हैव अ नाइट नाइट साउंड। नाइट में कैसे वो, देर आर सम ऑफ द नाइट नाइट के जो साउंड रहते हैं वो हम लोग डालते हैं, फिर जस्ट एकदम सिर्फ स्टेप्स की आवाज डालते हैं हम लोग, तो डायरेक्टली एक साउंड आता है दैट टू शॉक द पीपल, ठीक है। दैट इज दैट ओनली हैपेंस इन द थ्रिलर मूवीज और द हॉरर मूवीज, ठीक है। इस टाइप का जो पॉइंट है, दिस विल बी एडेड ओनली टू द हॉरर मूवीज एंड थ्रिलर मूवीज, ठीक है। जो ऐसे डराने के सीन रहते हैं, उस टाइप में आप लोग साउंड वैसे टाइप के ऐड कर सकते हो, साइलेंस एंड देन अचानक से फिर आप लोग एक बिग साउंड यू कैन ऐड इट, ठीक है, शॉक द पीपल। नेक्स्ट इज बिल्ड योर साउंड ट्रैक केयरफुली, द सेम थिंग, ठीक है। व्हेन यू हैव मोर देन वन ऑडियो ट्रैक, यू नीड टू
बैलेंस द साउंड लेवल्स, ठीक है, साउंड लेवल्स। अभी कैसा होता है, काफी सारे मूवीज में मैंने अभी कभी कभी देखा है, बॉलीवुड मूवीज में या फिर कोई भी एक ऐसे मूवीज रहते हैं या फिर हॉलीवुड मूवीज में, जो बैकग्राउंड साउंड है दैट साउंड्स बेटर देन द डायलॉग्स, ठीक है, बैकग्राउंड साउंड ज्यादा आता है डायलॉग्स के बजाय, ठीक है। कभी कभी बैकग्राउंड साउंड की वजह से हमको डायलॉग भी सुनाई नहीं देते ठीक से, ठीक है। जो डबिंग का प्रोसेस है, डबिंग का, वो डबिंग के प्रोसेस के टाइम पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बैकग्राउंड साउंड कितना आपको चाहिए, या फिर ऐसे भी नहीं कर सकते कि बैकग्राउंड साउंड एकदम फास्ट हो रहा है, या फिर वो जब डायलॉग बोलता है तो बैकग्राउंड साउंड अचानक से कम हो जाता है, फिर बाद में डायलॉग खत्म होने के बाद वापस से बढ़ जाता है। डोंट नीड टू एड दैट टाइप ऑफ ट्रांजिशन फॉर द साउंड। आपको एक कंटिन्यूटी में रखना है साउंड, मतलब या फिर एक टोन में रखना है, और जिसका डायलॉग के ऊपर इफेक्ट ना हो या फिर डायलॉग का आपके बैकग्राउंड के ऊपर इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ साउंड ट्रैक यू हैव टू बिल्ड। व्हेन यू हैव मोर देन वन ऑडियो ट्रैक, यू नीड टू बैलेंस द साउंड लेवल्स। यू डोंट वॉन्ट बैकग्राउंड साउंड और म्यूजिक ड्रॉनिंग आउट डायलॉग। सी द सेम थिंग, डायलॉग आपका मिस नहीं होना चाहिए बैकग्राउंड साउंड के और म्यूजिक की वजह से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड ट्रैक्स, दिस इज इंटरफेस ऑफ प्रीमियर प्रो, ठीक है। ये वाला जो है, दिस इज परफेक्ट इंटरफेस ऑफ प्रीमियर प्रो, इसके अंदर जो है ये जो साउंड का रहेगा, साउंड बैलेंस, यहाँ पे आप लोग साउंड एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये आपको दिखाऊंगा मैं धीरे धीरे, इंटरफेस वगैरह जब हमारा चालू होगा तो मैं आपको इसको दिखाऊंगा, ठीक है। दीज आर द टूल्स, दीज आर द पैनल्स, दीज आर सम ऑफ द इफेक्ट्स पैनल्स, हैंडल पैनल, यहाँ पे आपका व्यू रहेगा, दिस इज द टाइमलाइन, ठीक है, दिस इज द साउंड कंट्रोल और द साउंड बार। देखो दिस इज ऑडियो मिक्सर, दिस इज इफेक्ट इन दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके अंदर आप लोग साउंड एडजस्ट कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो वॉल्यूम, अगर ट्रैक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्यूम, वो आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। जितने ट्रैक्स आपने ऐड किए हैं दैट ऑल ऑफ द ट्रैक्स यू कैन एडजस्ट इन अ सिंगल सी, ठीक है। ऑडियो मिक्सर ऐसे टाइप करेगा आपका, एंड दिस इज अ साउंड ट्रैक, दिस इज साउंड ट्रैक, ठीक है। काफी सारे लोगों ने सॉफ्टवेयर यूज भी किया रहेगा, उनको पूरा आइडिया रहेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, यूज साउंड दैट कैरीज अक्रॉस द एडिट, ठीक है। मतलब यू कैन यूज वाइल्ड ट्रैक, रूम टोन और एम्बियंस बैकग्राउंड साउंड फ्रॉम द लोकेशन टू अवॉइड साइलेंस एंड कीप थिंग्स स्मूथ। मतलब आपको जैसे प्रीवियस बताया, यू डोंट नीड टू कीप साइलेंट सीन्स, ठीक है। यू नीड टू एड सम ऑफ द टोन, ठीक है। थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड टोन ऐड करना है उसके अंदर, ताकि आपका जो सीन है वो कंटिन्यूटी भी दिखे और बोर ना हो, ठीक है। फॉर डायलॉग्स सीन्स वेर यू कट बिटवीन शॉट्स फॉर ईच कैरेक्टर, ट्राई यूजिंग स्प्लिट एडिट्स लेट द साउंड चेंज एट अ डिफरेंट टाइम फॉर द पिक्चर, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड जे कट्स एंड एल कट्स, ठीक है। जे कट और एल कट, ये आपको मैं इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, ठीक है। वेयर द साउंड कम्स फर्स्ट एंड द वीडियो कम्स आफ्टर दैट, ठीक है। जे कट एंड एल कट, यहाँ पे जो है आपको सिर्फ याद रखना है कि वीडियो इज डिस्प्लेड एट द टॉप एंड द साउंड इज डिस्प्लेड एट द बॉटम, ठीक है। उसके हिसाब से जे बनता है इसका, ऐसे जे एंड एल, ये आपका थोड़ा सा एक प्रिंसिपल है। यू नीड टू, दिस इज अ इफेक्ट और दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ वीडियो। अभी काफी सारे लोगों ने देखा रहेगा कि पहले क्या होता है, सीन के अंदर ही पहले साउंड आ जाता है, फिर उसके बाद में वीडियो आता है, तो दैट इज अ टाइप ऑफ एल कट और द जे कट, ठीक है। तो ये आपको मैं बाद में दिखाऊंगा व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ कट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज कीप द ट्रैक ऑफ अ बिगर पिक्चर, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, आपको ट्रैक काफी अच्छे से मेंटेन करना है, यू नीड टू एडजस्ट, डोंट गेट सो बॉग डाउन इन वन एडिट दैट यू लूज ट्रैक ऑफ हाउ इट फिट्स इनटू द सीक्वेंस, ठीक है। मतलब एक ही उसके ऊपर खेलना नहीं है, यू हैव टू यूज मल्टीपल ट्रैक्स एंड मल्टीपल सीन्स टू डिस्प्ले अ कंप्लीट सीक्वेंस, ठीक है। उसके हिसाब से आपको पूरा काम करना है, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वीडियो एडिटिंग, ठीक है। ये सारे जो प्रिंसिपल्स रहेंगे, दिस विल बी एसेंशियल व्हेन यू शूट एनी ऑफ द मूवी और यू स्टार्ट एडिटिंग दैट मूवी। ये सारे प्रिंसिपल्स अगर आप अप्लाई करोगे देन द सीन विल लुक गुड एंड इट विल बी अट्रैक्टिव फॉर द ऑडियंसेस, ठीक है। ये मैं शेयर करता हूँ, एक बार हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, ये भी आपको एक ही पीडीएफ के अंदर डाल के मैं शेयर करता हूँ, यू गो थ्रू इट एंड जस्ट स्टडी द प्रिंसिपल्स ऑफ वीडियो एडिटिंग, ठीक है। क्लियर है इतना? एनी डाउट एनीवन? नहीं नहीं, ठीक है, चल डाउट रहेगा तो पूछ लो, तो मैं आपका कहते हैं। यस सर।
सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं कुछ बोल रहा ही नहीं। आप लोग बोला, अभी कोई डाउट रहेगा तो कुछ। नहीं सर बैक